साथ गई और नगर शहर कस ब्यान छोड़ के सावित्री बनवास गई। गुरु मंगल चंद के सावित्री की बन में पूरी आस गई। जब सत्यवान लकड़ी काटे था बाबाज दोस्त सावित्री चलते चलते अपनी सखी सहेलियों के साथ में जंगल बियाबान में आ जाती है और जंगल बियाबान में आकर अपने सत्यवान को देखती है वहां पर जो लकड़ी वहीं पर काट रहा था और सत्यवान को देखकर अपनी सखी सहेलियों को भेज कर सत्यवान को अपने पास में बुलाती है और क्या होता है सजनों? ए छोरी लकड़ा रे प्रणाम। ये तो मुसलमान लग गए। अस्सलाम वालेकुम। यो तो सरदार लग गए सर। सत श्री अकाल। मैं क्या गुड मॉर्निंग जी। ए बेबे यो ना बोलता यो तो गुंगा सर। चल सावित्री ने बतावांगे। सावित्री बेबे सावित्री एक लिया आओ की तै हो। ए बेबे वो ना बोलता वो तो गुंगा है। गुंगा है? हाँ। रुक जो मैं मिलता हूँ। ठीक सर बेबे। हमने कहा जी प्रणाम। है प्रणाम। आप कौन है? कहाँ से आई है और इस जंगल बियाबान में आप अकेली कर क्या रही है? पहले आप मुझे ये बताइए कि यहाँ इस बियाबान में लकड़ी किसके लिए काट रहे हैं? मैं लकड़ी जी। ये लकड़ी में मेरे लिए। तो दे दे मेरे का। हाँ चलिया दे दिए इनके चाहिए था ना। मैंने एक डोरियर एक कुहाड़ा दे दो। अच्छा सेठानी और डोरियर कुहाड़ी लेके आइए। कुहाड़ी तो खराब हो रही है। चलना कुहाड़ा खा ला उसकी तार बड़ी तेज है। ये डोरी और ये कुहाड़ा ले लिया इसका करेगा के? शेर जी हाँ मैं जंगल बियाबान में जाऊंगा। अच्छा जंगल बियाबान में लकड़ियां काट कर अच्छा अपने माता पिता का और मेरा गुजारा चलाऊंगा शेर जी। अच्छा तुम ये करिए मेरे ये लकड़ी काट कर ले लिया ना काम के देंगे शेर जी। लकड़ी के बदले में रोटियां नौ रोटियां नहीं दे देंगे। राम राम भाई। ठीक है राम राम शेर जी। सुनो वो सत्यान लेता बिलकता दुखी लेता हुआ जंगल बियाबान की तरफ चल पड़ता है और रोते रोते अपने पुराने दिनों को याद करने लग जाता है कि कैसे उसके पास राजपाट था कैसे उसने क्या काम किए क्या क्या किया और याद करते करते क्या कहता है सुनिए मेरी यादों में। सत्य
लकड़ी थे के जाए भाई भी जाए जा, कोई भी ना सांस दिखावे तुझ मन सारे हो जा पड़ी में जिसका उसने बहुत बार सिलेंडर चाहा परंतु राजा को उसके लायक कवर नहीं मिल पाया। सजनों तो सुनो, राजा अपनी बेटी सावित्री को अपने पास बुलाता है और उनकी क्या बातचीत होती है सुनिए ध्यान से जरा। सावित्री, बेटी सावित्री। पिताजी प्रणाम। खुश रहो बेटी। बेटी, मैंने कई बार तेरा स्वयंवर रचवाया लेकिन तेरी जोड़ी कमर मुझे नजर नहीं आया। बेटी बेटी, अब तुम ऐसा करो, रथ में बैठ कर जाओ और अपनी जोड़ी कमर खुद तलाश करके लेके आओ। बेटी ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। रथ में बैठ लो, मेरे गले जाना है। ठीक सर। सुनो, सावित्री के साथ में उसकी सखी सहेली चल पड़ती है रथ पर और क्या होता है देखिए जरा। सत्यवान के पिताजी उसे चार बार सिखाते हैं
क्या बात बताते हैं वो, और यही से हमारा सॉन्ग शुरू होगा। सुन लो एक बार मेरे साथ जय कनाडा को जरूर बोलेंगे, क्योंकि पहले लक्ष्मी ने भी कहा है जय कनाडा लगाने से धर्म पवित्र और पाप नष्ट हो जाता है। सुन लो एक बार मेरे साथ जरूर बोलेंगे बोलिए गो माता की। ना जी ना, मजा नहीं आया जी। बड़ी मजे की तरह होगा फिर जब ये सारे बोलेंगे। अच्छा सारे बोलेंगे और तुम सब नहीं बोल रहे, उसका समस्या मैं खा चला था जी। अरे भाई बोल बढ़िया सारे, इस नकली का काम है इसे ही होया करे। घर में एक के खा चला की तो सारे कुर्ते का लाल जी। ये मैं बोल बढ़िया सुनो बोलिए गौ माता की, बोलिए भारत माता। सत्यनाथ के पिताजी आपको क्या होता है जज्बे इसे हमारा सांस रोए। हाँ बेटा सत्यवान। पिताजी प्रणाम। दूसरा हो बेटा दिखता कौन है, ये मेरा सिरस है। तू भी आ गए खड़ी रह फिर। माता प्रणाम। प्रणाम बेटा। इतना नहीं दिखता के तू भी मेरा आगे फिरे जा से। पिताजी हाँ बेटा, मैंने आपके लिए जंगल बियाबान में विश्राम करने के लिए छार बना दी है। अच्छा आप इसमें विश्राम कीजिए और मुझे जंगल बियाबान में रहने की कुछ कायदे कानून कुछ उसूल सिखाई। ठीक है बेटा, मैं कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो तेरे जीवन भर काम आएंगी। ठीक है पिताजी बताइए। सुनिए सुनाइए। ओ सत्यवान मेरे ठहरने का इंतजाम करिए। सुबह शाम करिए जिस तक गुजर चाल जाएगा। ठीक है पिताजी। हाँ बेटा जैसे आपने कह दिया बिल्कुल वैसे ही होगा। अच्छा
पिताजी आप इस क्षण में आराम कीजिए। अच्छा मैं आपके भोजन के एक पैकेट ले जाता हूँ। ठीक है बेटा जाइए। ठीक है पिताजी प्रणाम। खुश रहो। सुन लो सत्यवान चलता चलता सेठों की नगरी में आ जाता है और सेठ जी के साथ उसकी क्या बातचीत होती है। कभी सेठ जी के घर पर आ गया। सेठ जी सेठ जी कौन है। सिपाही जी प्रणाम। राम राम। सिपाही जी सेठ जी कहते हैं। वो तो भीतर सोर लग रहा है। सिपाही जी इतनी धूप चढ़ गई सारा दिन तक गया अमरे सौंक रहे और सेठ जी सौंक लग रहे भीतर। एक बार बुला दो सेठ जी को। मैंने बेहतरू भी काम है। सेठ जी सेठ जी। अरे कौन है सेठ जी। कौन है उठ खड़ा होले। कौन आया है। कौन आ रहा है। बाहर एक छोर आया है। छोर आ रहा है। छो मैं नहीं आया बाहर एक लड़का आया है। लड़का उड़ा की तरह आया। ओ लड़के नहीं आया बाहर एक इंसान आया है। इंसान इंसान तू किस तक की लाडू बच्चा लग रहा है। ओ बाहर लाडू बटे है। किस किस में ही पता सो गया बटे। चल बाहर आ जा। सर जी प्रणाम। प्रणाम भाई प्रणाम। भाई मीर ले मिर्च ले अरबी ले टमाटर ले बताओ भाई क्या लेगा। सर जी मैंने मैंने तो कुछ नहीं चाहिए। और क्या चाहिए है। सर जी मैं बड़ी विपता नहीं हूँ। फिर भी पिता मर्द के ऋण आया मेरे संकट में हूँ। मैं आप पे भी पिता नहीं कह रहा। सर मैंने एक डोरी और एक कुहाड़ा दे दो मैंने उसकी बहुत जरूरत है। सर जी ला भाई फिर पैसे ला। पैसे तो नहीं है सेठ जी मेरे पास। और क्यों है सेठ जी। हाँ मेरे पास चोर लगते हैं। अच्छा और मेरी बात सुन ले। सुनाते भाई सुनाते। Oh, my God.